बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दरअसल इस शरीर के अंदर जो विरोधी शक्तियां हैं, सात्मा के साथ जो खेल खेल रही है, मनुष्य उसे समझ नहीं पा रहा है और वो बलपूर्वक जो चाहे व्यक्ति से करा रही है। वो और कोई नहीं है, मन है। कितनी सूक्ष्म तरंगें आ जाती है मस्तिष्क के अंदर, सोवत जागत धर धर मारे। आप देखें आदमी कभी भी फ्री नहीं है, हमेशा कोई ना कोई कल्पना, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई अतीत की घटना मस्तिष्क में उभरती रहती है। इसी में मनुष्य अपना पूरा समय गुजार लेता है, पर मन का भेद किसी को मिल नहीं पाता है। मन नट नाटक महासमाना, मन नट सर्व कथे अभिमाना। बड़ा अनूठा है ये मन। मन ही ज्योति सकल उजियारी, मन की छाया मन अधिकारी। साहब का ये शब्द कितना सार्थक है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आपका बैरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर आत्मा और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ी प्राचीर है तो मन है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई कहता है कि मनोकामनाएं पूर्ण करो, कोई कहता है मन को शांति। भाई मन शांत रहने वाली चीज ही नहीं है। मन पर जो असवार है, ऐसा बड़ला कोई कबीरा, ऐसा बड़ला कोई। क्या साहिब के शब्द है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद को ये कदम कदम पर इंसान शब्द काटता है। मैं आपको बताता हूं एक बार, शास्त्रों में लिखा है कि गुरुजनों के मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्म वाक्य होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार एक आदमी आया मुझे कहने लगा, आज्ञा दो घर का काम शुरू करना है। मैंने कहा भाई बात सुनो, आज काम नहीं शुरू करो, कल करना। उसने बोला गुरुजी मैं दो बोरी का मसाला भी मिला करके रख के आया हूं। गुरुजी मैंने मिस्त्री और लेबर भी वहां किए हुए हैं। अब देखिएगा, मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूं, गुरुमुख होने का क्या मतलब है, उससे क्या लाभ है, ये तत्व सहज समझने की जरूरत है। मैंने कहा भैया ऐसा करो, मजदूर को तनख्वाह दे दो, मिस्त्रियों को तनख्वाह दे दो बोरी का मसाला वैसे ही रहने दो, पर आज घर नहीं शुरू करो। अब पता है शब्द काटने का तरीका कितना नफीस और कितना सूक्ष्म था। मुझे कहा अरे गुरुजी आपकी कृपा हो तो सब हो जाता है। देखा कितने शालीन तरीके से शब्द काटा जा रहा है। चलो उसने काम शुरू किया, आप विश्वास करना घर बन ही नहीं सका। रास्ते में पड़ता था, एक दिन धूप थी, प्लास्टर नहीं कर सका, फर्श नहीं डाल सका, उसको बहुत विघ्न आए। धूप थी तो मैं थोड़ा सोचा रुकता हूं यहां देखूं, तो उस मकान में दर्रों में सांप रह रहे थे। वो वहां बस नहीं पाया। गुर का शब्द उलांग कर चेला कहूं जो जाए, स्वर्ग की तो बात क्या, नर्क ठोर नहीं पाए। अब यहां साहब हर चीज का बहुत अच्छा विवरण दे रहे हैं। जब इंसान आर्मी में भर्ती होता है तो बहुत बारीकी से उसका मेडिकल होता है। यानी उसके हाथ पांव को चेक करते हैं, पूरा मेडिकल होता है। अगर हाथ हिल रहा है तो भर्ती नहीं करेंगे,
टांगें मिल रही हैं तो भर्ती नहीं करेंगे। तो वो शरीर को पहली नजर में रिक्रूटिंग ऑफिसर चेक करता है, आगे उसकी ड्यूटी बन जाती है। इसी प्रकार साहब ने नामदान लेने के लिए भी कुछ न कुछ संकेत दिए। उसके बाद अब साहब क्या करें, मध्य कपोल होए मुख छाई, हृदय कठोर दया तहनाई, हर एक चीज के लिए वो बता रहे हैं। इसलिए गुरुजन साहब एक संदेश भी दे रहे हैं कि शरीर रेख देख करके दीक्षा देना है। गहरी चितवन मुख चतुराई, लंपट चोर हुए दुखदाई। गहरी चितवन हो, आंखों के बाल छोटे हो, आई बॉल्स बहुत चालाक, उस इंसान में बहुत कपट होगी। धीरे बोले, गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं इन शरीर के लक्षणों को, चिन्हों को, धीरे बोले अति नवे, बहुत धीरे बोले अति नवे, जरूरत से ज्यादा झुके, बातन में मुस्काए, जहां हंसने की बात नहीं है वहां भी हंसे, तुलसी इनसे बच रहो, जड़ से देह बिलाए, बिलाने का मतलब खत्म करते, ये जड़ से खत्म कर देंगे। अब साहब यहां क्या कहें, छोटी गर्दन राजस भारी, मिथ्या बोले हुए कुआरी। छोटी गर्दन होगी, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं, जिस इंसान की गर्दन यहां से छोटी है, जैसे चंपी जी की, वन मानुष को देखना, शेर उससे नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि शेर एक चालाक शिकारी है, वो गर्दन पर ही वार करता है, और चंपी जी की गर्दन उसके हाथ नहीं आती, और इतनी ताकत है उसके मुक्के में कि वो शेर की कमर तोड़ सकता है एक मुक्का मारकर। वो अधिकतर खड़े होकर चलना पसंद करते, समूह में रहते हैं, मूल रूप से वो शाकाहारी है, लेकिन मौके पर मांस भी खा ले सकते हैं, वस्तुतः वह शाकाहारी है। तो साहब क्या करें, ताकत जीव दया नहीं हुई, बोधत ताय काल पुरुष हुई। आगे वो क्या करेगा, ज्ञान उपजे कुमार शरीर आते हैं जान देत हो भक्त बलवीरा, बोला हे धर्मदास वो आदमी भक्ति में बड़ी हानि करेगा। क्या करेगा, एक समय नाम जो पावे आप जाए संगत बिगड़ाए, वो संगत को भी बिगाड़ेगा, खुद तो जाएगा ही जाएगा। ये सभी चीजें साहब बहुत अच्छी तरह समझाकर धर्मदास जी को बोल रहे हैं। विषय लंपट हुए जुआरी, इनते हुए पंथ खुआरी। लंपट शब्द बड़ा खराब है, छिछरा छिनरा, जिसका कैरेक्टर ही नहीं हो जुआ भी खेलेगा। बोला इससे पंथ की खुआरी होगी। रहन गहन बुझे करजोरी, दीने होता है नाम की डोरी। कच्चा जीव विचलित हो जाई, गुरु सम्मुख हुए सेवा लावे, काम क्रोध ममता बिसरावे, सदा अधीन रहे गुरु आगे, पावे शब्द सह चलवाए। और जो ठीक लोग हैं उनके लिए साहब क्या कह रहे, गुरुपद छाड़ अंत न जाई, समता अधीर होए तह गाता, तह हम कभी करे नहीं घाता। गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरुगम भेद भूज तब पावे, ममता मोह सभी बिसरावे। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सोहन स्वभाव, बहुविध अमृत का है। क्षीण अधर और नेत्र विशाला,
गुरगमी बोले शब्द रसाला, जो कोई तपत ताहे पह आवे अमृत सीज ताहे जुड़ावे, पावे अमृत हर्षित होई मोह महाबल जाए भिगोई। जो इस तरह के लोग है, उल्टी बाह शीश पर राखे पूर्ण तत्व अमीरस चाके, पलकन मारे राखे साधी त्रिवेणी तट राख समाधि। एक चीज और साहब अपनी वाणी में कहे, कभी भी पैर पर पैर रख कर नहीं सोना चाहिए। पैर पर पैर रख कर टोटके नहीं है, जो इस तरह हाथ रख करके सोता है बहुत गंभीर आदमी होगा। ये नेचुरल चीजें हैं, ये बचपन से ही आदमी में आती है, ये शरीर के गुण दोष साहब बहुत बारीकी से बोल रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं, वो ऐसे आदमी जो होते हैं लंपट टाइप होते हैं, खुद तो नहीं भक्ति करते बाकी को बिगाड़ देते। इधरदास ऐसे लोगों से तुम सावधान रहना। मने इसे सब सरही का जग, मन करता यह देह समाना। इस शरीर का करता ही मन है, और मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन है सात दीप का राजा, मन चीने सो मन ही पावे। मन को समझना, मैंने कल भी ध्यान के लिए बैठने की बात कही थी, जब साधक निरंतर ध्यान में बैठता है तो पक्का उसे मन को समझने का पूरा पूरा मौका मिलता है। चोर हमेशा दो चीज से बचने की कोशिश करता है, एक तो मैं पकड़ा न जाऊं, दूसरा पहचाना न जाऊं, और उसके इन दोनों कामों में उसका संरक्षक है अंधकार, अंधेरा। नीति वचन में आते हैं तीन लोग ही जागते हैं, एक जोगी वो जागता है वो नींद को जीत लेता है, एक भोगी जिस पर विषय का भूत सवार है वो जागेगा, एक चोर। जागना ये तीनों को आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह सब पर मन असवार है, जो चाहे कराता है, बड़ा दारुण है। इतने इसके पास बहाने हैं, इतनी इसके पास कलाएं हैं, इतने इसके पास तौर तरीके हैं, इंसान मन को समझ नहीं पा रहा। बहुत बारीकी से बैठकर वहां से अपनी भावनाओं को प्रेषित करता रहता है और जीव उसके तरह से काम करता है। यहां साहब शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, जस नट मरकट को दुख दे नाना नाच न चावल दे, जैसे बाजीगर बंदर को जो चाहे कराता है, इस तरह आत्मा से ये जो चाहे करवा रहा है। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी न कहते हैं विश्वासा, और सभी मन के कहने पर चल रहे। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन में और। तीन लोग जो बाहर रखा सो सब आन देह में रखा। अब यहां दोबारा ये साहब कह रहे हैं, जो भी बाहर देख रहे हो सब इस शरीर के अंदर है, यही तो वेद भी कह रहे हैं, यह पिंड सबरमंड है। मन चीने तो हाथ है, चीनने का मतलब पहचाने। जब ये मन को पहचानेगा तभी हाथ आएगा, नहीं तो ये अपनी पहचान नहीं देता है। मेरे पास एक आदमी आकर बोला, बोला गुरुजी जो हम अच्छे काम कर रहे हैं ये आत्मा है ना, जो हम बुरे काम कर रहे हैं ये हमारा मन है। मैं बोला नहीं, दोनों का आदेष्टा मन है। तभी तो साहब कह रहे हैं, नीत अनीत में देह बुलाई। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, बेड़ियां कहते हैं जो हाथ में बेड़ी पड़ते हैं, पैरों में बेड़ी पड़ती, हाथ में हथकड़ी। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी।
इसलिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का प्रवर्तक मन ही है। तभी तो साहब कह रहे हैं नीत अनित में देह बुलाई। मन जीने, मन को पहचान। अब ये अपनी पहचान छिपाता है। बहुत बारीकी से जब आप देखेंगे इतनी सूक्ष्म तरंगों का स्पंदन होता है आपके शरीर के अंदर। इसलिए गुस्सा आ गया, लोग कह रहे हैं भाई जब कोई ऐसी घटना करते हैं कहते क्या करें गुस्सा आ गया उस समय। कहां से आया, किस रूट से आया पता नहीं चला। अनचाहे ये सब तत्व इस शरीर में है। चौपड़ खेल होत घट भीतर, घट का मरम न पाया। मन चीने को बिरला बेदी, मन चीने तो हाथ ही आए। तीन लोग देह में पाए, यानी जब मन चीने तो हाथ ही आए। जब इसको पहचान लोगे तो हाथ में आ जाएगा बिल्कुल। आप कोई सूक्ष्म चीज भी आपके पास आ रही है अगर आपने देख लिया तो बस आप सावधान हो जाएंगे, अगर नहीं देखा तो अपना काम कर जाएगी। तीन लोग पलमाए देखा, यानी कभी कभी साधक जो ध्यान भजन में कुछ चीजें देखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस पर। एक लड़का था, ध्यान भजन करता था, ठीक था, कुछ कुछ ध्यान की बातें भी बोलता था। इससे उसको बाकी संगत काफी सम्मान करने लगी। अब मैं ये जान गया कि ये अभी अहंकार में बंधने वाला है। जब वो बातें करता था वो सब निचली बातें थी। जो भी मान चाहने वाला है अगर उसको मान नहीं प्राप्त होता है वो अंदर से क्रूर हो जाता है। साहब ने मान और अहंकार पर बहुत से शब्द कहे हैं। अब वो क्या करता था, हमेशा सिर्फ यही बातें लोगों से करता रहता, मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब उसको लोग इज्जत देने लगे। जब मुझसे बात करता था तो मैं समझाता था ये निचले खेल है, इसमें नहीं उलझना है, अपना कार्य करते जाना है आगे। अब उसको यूं लगा कि मेरी इन चीजों को दुनिया तो मान रही है, गुरुजी पुष्टि नहीं कर रहा। और सही बात थी, ये निचली सीढ़ी के खेल थे। उसके अंदर थोड़ा मन मुटाव आने लगा। इंसान का भाव छिपता नहीं है। मैंने उसको समझाया तू अभी रास्ते में है, चिंता मत कर, लोगों से तारीफ की तरफ मत जा, भजन कर, यही माया है। परमार्थी लोग परमार्थ पद पर चलने के टाइम रिद्धि सिद्धियों से बचते हैं, क्योंकि ये सिद्धियां जो है ये सब माया भी होती है। लेकिन वो बढ़ चढ़ करके अध्यात्म की बातें करता था। लाजमी था कि कुछ संगत उसको श्रेष्ठ मानने लगी, बड़ी इज्जत भी करने लगी। जब मैंने उससे वो उन उपलब्धियों के बारे में पूछा, ये बहुत डाउन वाली चीजें थी। जब मैं उसे फिर समझाने लगा तो उसने सोचा कि गुरुजी मेरी उपलब्धि को मान ही नहीं रहा है। उसमें राग आया। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा है, अहम अग्नि निष्दिन जले, अहम अग्नि निष्दिन जले, गुर से चाहे मान, ताको यम न्योता दियो होए मोर मेहमान। जो गुरु से मान चाह रहा है उसको तो निरंजन निमंत्रण देता है, आ तू तो मेरा मेहमान है। वो कभी कभी सत्संग में जब करता था, उस समय कम लोग थे, तो बीच में भी अपनी उपलब्धि बोलना शुरू कर देता था। अब मैं ये अच्छी तरह समझ गया, ये अहंकार के वशीभूत हो चुका है, इतनी चीजें नहीं है जितनी ये बोल रहा है। तो मैं उसको समझाने लगा। धीरे धीरे जब उसने देखा, वो मुझसे भी ये चाह रहा था कि आपके सभी साधकों में से सबसे उत्तम मैं हूं।
मोटी माया सप्तजे जीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया जीनी सबिन को खाए। जब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये सब निचली चीज़ें, माया भी खेल है। धीरे धीरे वो भाव जो है चेहरे का वो साफ आ जाता है, धीरे धीरे उसमें एक मन मुटाव मेरे प्रति भी आने लगा। फिर क्या हुआ, वो आना कम कर दिया और एंड में इतना मनमुख बन गया मैं डरा नहीं रहा हूं। पूरी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। साहब के शब्दों में बहुत बड़ा वजन है, अहम अग्नि निस्दिन जले, अहम अग्नि निस्दिन जले, अहम अहंकार की आग। गुर से चाहे मन ताको यम न्योता दियो होए मेर मेहमान। मैंने एक शब्द बुल्ले शाह का कई बार अपनाया, बोला है, जे मुर्शिद मैनु दुर दुर आखे तो दुर दुर नु अपना लेवा, पैर औंदे दा टूटा चित्तर गानी विच मड़ा लेवा। अब मैं समझ गया इसको काल ने पकड़ लिया है, अहंकार के अधीन आ गया। आपको यथार्थ बोलता हूं, इतनी कुंद बुद्धि हो गई उसकी, वो आना जाना भी बंद कर दिया और अटपटी बात करने लगा और निंदा भी करने लगा। वाह 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 साहब, यही शब्द कहे, आप बिगड़े औरन बिगड़ावे। इसलिए यहां इतना वजन दे दिया गुरुमुक्ता को कि पूछो मत। गगन मंडल में उर्दमुख कुया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मेरे बिन किया, ताके ही अंधियार आए। साहब मन पर तो बहुत कुछ कह गए हैं, मन ही मरे मन नरके जाई, मन बस जी सदा पछताई, मन लेख मन आख अलेखा, मने स्वर्ग नरक को देखा। आप नहीं देखते हैं कि मनुष्य की भावनाएं कितनी बदलती जाती है। मैं एक राय हमेशा अपने सत्संगियों को देता हूं, मैं कहता हूं आर्थिक लेन देन से अंतोगत्वा शत्रुता बढ़ेगी, अंतोगत्वा शत्रुता बढ़ेगी। मैं अपनी डायरी देखूं दिखाऊंगा ना, मुझे गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, मधु पैसे की लेन देन नहीं करना किसी से, अगर किसी कारणवश शिष्य को तुम्हें पैसे उधार देने भी पड़े पहले नहीं करना, ऐसा उलझ जाओगे। तो देना हानि क्या है वो समझे, तो देना, पर उससे फिर मांगना नहीं, वो खुद दे ठीक है, नहीं तो वो तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। मेरे पास जो सटीक प्रमाण है, जो घटनाएं घटित हुई है, उसके लिए बताता हूं। हुआ भी ऐसा, कुछ लोगों को आवश्यकता पर कुछ धन दिया, नहीं लौटाया। ये एक दो रुपया नहीं है, करोड़ों रुपया, डेढ़ दो करोड़ रुपया। किसी दिन कहो मैं डायरी भी दिखा दूं, वो नहीं लौटा है। जब तक आदमी पूर्ण गुरुमुख नहीं होता है, मन की जाल से निकल नहीं पाता है। कुछ लोग तो यहां पर बिजनेस के पर्पज से भी आते हैं, कुछ लोग यहां लोगों को ठगने की दृष्टि से भी आते हैं, कुछ लोग यहां चोरी करने की भावना से भी आते हैं। उदाहरण देता हूं, हमें सतर्क रहना है, स्वाभाविक है ये सब। उनका मंतव्य भक्ति नहीं होता है। कल एक बेचारा पुलिसकर्मी आया,
परसों 6 तारीख को यहां लेंटर था, तो कुछ लोग आए थे सेवा के लिए, उसमें कुछ गैरनामी भी आ जाते हैं। ये कहां से आते हैं? जो मेरे सत्संगी लड़के हैं अपने मित्र को लाते हैं, कुछ कच्चे लोग भी होते हैं। तो वो बेचारे ने क्या किया, मैं आपके साथ जो भी बातें बोलूंगा शेयर करूंगा आपके भले के लिए बोलूंगा ना, मां बाप कैसे भी हो हमेशा वो बच्चे का कल्याण चाहते हैं। उसने अपने कपड़े उतारे, कमरे में एक मोटरसाइकिल उसने रखी और सेवा करने के लिए आ गया। झोला अपना वहीं रखा था। सुबह मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरी मोटरसाइकिल कोई उठा के ले गया। कहो मोटरसाइकिल? तो ये चीजें मैं शेयर क्यों करता हूं, ताकि आगे आप इससे सावधान रहे ना। फालतू टाइम तो किसी का जाया नहीं करता हूं मैं। मैं कहा कैसे? अब मुझे उस पर थोड़ी चिढ़ भी आई, चिढ़ आना लाजमी है। मुझे किसी ने कहा आप गुस्सा करते हैं क्या? मैं बोला गुस्सा तो ब्रह्मा जी को भी आया था। मैं उदाहरण दूं आपको, सुने, लोग बंदगी में लाइन लगाते हैं, ठीक है, एक के पीछे एक आते हैं। मान लो ये कड़ी है, ये एक के पीछे एक आया, अगर ये आदमी पीछे जाएगा तो पूरी लाइन डिस्टर्ब करेगा ना। तो मैं क्या कहता हूं माताओं बहनों को, कहता हूं अपने दाहिने निकल जाओ, बंदी करके पीछे नहीं जाओ, और पुरुषों को कहता हूं तुम बाई तरफ जाओ, ताकि आपस में टकराव ना हो। एक आदमी को डांटता भी हूं जब वो उल्टा जाता है, तो पीछे वाले का काम नहीं है कि भाई इसी बात के लिए तो उसको डांटा गया, मैं ऐसा ना करूं। गुरु के शब्द पर तो पूरा ध्यान रखना चाहिए उम्र भर। मैंने उसको कहा हर जगह लिख रखा है, अब यहां पूर्णिमा को भी 30-40 हजार लोग आते हैं, उस भीड़ में काफी लोग आ जाते हैं, हमने जगह जगह लिख रखा है कि मोबाइल चार्जिंग नहीं लगाना, अगर लगा रहे हो तो आप खुद हाजिर रहना। फिर हमने क्या किया, वो सॉकेट ही बंद कर दिए जहां मोबाइल स्विच के साथ में जो शूज थे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो वो भी हटाकर तब भी मोबाइल चार्ज करते हैं। फिर हमने कहा मोबाइल चार्ज करते समय आप वहां हाजिर रहें। जो चोरी करने वाले हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं पहले वहां बैठ करके, जैसे चार्ज करने वाला आदमी का ध्यान हट गया तो वो सामान उठाकर चले जाते। इसी तरह एक आदमी वहां आया होगा उस भीड़ में, उसने इसको देखा, ये लापरवाह था, उसने बैग अपने खटिया के पास रखा, कपड़े बदल कर सेवा करने के लिए चल पड़ा। देखिए कल ही की बात बता रहा हूं, 6 तारीख की सुबह 7 को वो मेरे पास आया। अब सुबह आकर मुझे बोला गुरुजी मेरी मोटरसाइकिल कोई ले गया। मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी की थी? बोला बाहर गेट के पास मैंने मोटरसाइकिल वहां हमेशा खड़ी करता हूं। मैंने कहा कैसे चोरी हुई? बोला गुरुजी उस कमरे में एक लड़का था, अंधेरा था, मैं उसको नहीं पहचान सका। मेरे उस बैग से उसने चाबी निकाल ली है सिर्फ और मोटरसाइकिल ले गया। लड़का एक एसपी साहब के यहां बॉडीगार्ड के तौर पर काम करता है। तो मुझे कहा क्या करें, रिपोर्ट करूंगा? मैं बोला पक्का करना। मैं कहा पक्का करना, इसमें गलती मत करना। कल उस मोटरसाइकिल से कोई भी घटना हो गई तो ओनर को पकड़ेंगे, मैं इसका आपको सतर्क कर रहा हूं। इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं, कल ही एक और आदमी आया मेरे पास, बीएसएफ में था बेचारा,
कहा गुरुजी मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची, पर मैंने कागज चेंज नहीं किए, उसको दे दी। उसके द्वारा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया। बाद में जब कागज खंगाले गए तो मेरा नाम निकला, मेरे पास समन आया, पुलिस आई, केस मुझ पर हुआ, जो चला रहा था उस पर भी हुआ, दोनों को पकड़ा जाएगा। बोला गुरुजी जज साहब ने 8,00,000 रुपए जुर्माना किया कि जो मर गया उसके उसके घर में 8,00,000 देना है, आधे आप देंगे आधा वो देगा। बोला वो गुरुजी वो तो हाजिरी नहीं हो रहा, फिर मुझे जज ने बोला पहली हमारी कोशिश होगी उससे पैसे ले, अगर वो नहीं दिया तो 8,00,000 तुझे ही देने हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, मेरा एक पुराना टिप्पर था, चल रहा था, लेकिन मेरे किसी आदमी ने मैकेनिक ने कहा गुरुजी इसको बेच दो, ये ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है और यहां इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाती, बेच दिया। वो पैसे देकर गाड़ी लेके चला गया। मैंने कहा सुनो, पैसे गए भाड़ में, टिप्पर वापस लो, जब तक नाम चेंज नहीं होगा टिप्पर नहीं देंगे। आपको सच बता रहा हूं, मैंने टिप्पर वापस बुलाया, कागजी कार्रवाई होने के बाद टिप्पर मैं उसको वापस दिया। ऐसे ही टिप्पर चला था तो जो टिप्पर का ओनर था एक्सीडेंट में वो भी इन्वॉल्व हो जाता। आप ये भूल नहीं करना, ये आपको ताकीद दे रहा हूं मैं, ये भूल मत करना। अब वो लड़का मुझे बोला गुरुजी रिपोर्ट करूं या नहीं छोड़ दूं। 2009 का मॉडल है, 15,000-20,000 का है। अब देखो वो दूसरी भूल कर रहा है। मैं बोला नादान रिपोर्ट कर। बोला पुलिस फिर आश्रम में भी आएगी जानकारी लेने। मैं बोला आने देना, पुलिस को आने दो, मत घबराओ, उनको बताएंगे इस तरह से घटना हो गई, कोई बात नहीं। नहीं तो कल अगर उस मोटरसाइकिल से कोई वारदात हुई, किसी आतंकवादी के हाथ लगा, किसी गलत आदमी को भेजा, तो तू टांगा जाएगा भैया मेरे, जाकर तू थाने में जरूर रिपोर्ट करो। अगर आपकी गाड़ी गुम हो जाती है आप पक्का रिपोर्ट करो, आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है, भोले भाले लोग हैं समझते नहीं है, रिपोर्ट नहीं करते, आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर आइए मैं वापस आता हूं। इस तरह ये मन इंसान पर 24 घंटे अपना एक हमला करता है। मन का एक ही प्रयोजन है कि मुझे कोई देख नहीं पाए, और आपका ये प्रयोजन होना चाहिए कि मन को समझो। मन पर जो असवार ऐसा बड़ा कोई मारण, मन दारुण है, बहुत खतरनाक है मन, दारुण कहते बहुत दुख देने वाला। मन कहे सियारा मन तास और मन प्यार, बहुत डेंजर है ये मन। मन सुरा मन काय रहीजा, मन है विरहन संग बीजा, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोवे, मन जागे मन सोवे। वाह, तो इस तरह से ही अपना पूरा खेल खेल रहा है। बैल को अगर नथनी लग गई, नकेल लग गई, फिर उसकी ताकत नहीं लग सकती है। इस तरह सुमरण मन पर बहुत बड़ी नकेल है। ये सुमरण भूलना नहीं, कल भी मैंने अपनी बात यहीं खत्म की थी, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। जल दो गैसों का मिश्रण है, उसके अंदर गैस कब पता चलेगी, जब आपको आप उसको अग्नि के संपर्क में ले जाएंगे, नहीं तो जल के अंदर से गैस नहीं पता चलेगी। प्रमाण देता हूं, आप 1 लीटर पानी आग पर रख दो बटली में डालकर, वाष्पीकृत होते होते एंड में जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सिद्ध हो गया ना कि मन है ही गैसे।
इस प्रकार से सुमरण के टाइम मन सिद्ध होगा, इसलिए सुमरण में बैठने देना चाहेगा ही नहीं। जैसे सुमरण में बैठेंगे नाना प्रकार की कल्पनाएं लाएगा, नाना प्रकार के भाव लाएगा, नाना प्रकार की स्थितियां लाएगा। इसलिए इस पर हमेशा नजर रखना, गफलत नहीं सदा होशियार देखना। आपके साथ आपका बहुत बड़ा दुश्मन रह रहा है, इससे गफलत नहीं करना। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।